फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से और एक वीडियो में। एंड दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ एक्सेसरीज के बारे में बताने वाला हूं जो कि हमने अपने पावर रीडर के लिए खुद से बनाए हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिया था हमारे लास्ट वाला वीडियो को, जिसमें हमने एक होममेड पावर रीडर बनाया था अपने घर में ही, अपने मतलब अपने फैक्ट्री में ही, अपने हाथ से ही। एक्सेसरीज आज मैं बताने वाला हूँ जिसके बारे में, उस एक्सेसरीज के बारे में। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं हमने दो एक्सेसरीज मॉडिफाई किए हैं अपने मशीन में, और तीसरा एक्सेसरीज यहाँ पर है। तो ये रहा मशीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये रहा मशीन, आप देख सकते हैं, और ये रहा एक्सेसरीज। तो ट्रॉली में, एक्चुअली ट्रॉली इसीलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि ट्रॉली में आप एक साथ चार आदमी का काम एक साथ आप एक ही ट्रॉली में कर सकते हैं। जैसे आपको मिट्टी को ढोना है या कोई भी सामान को इधर से उधर करना है, तो ट्रॉली एक सबसे बड़ी एक नंबर एक्सेसरीज है। ठीक है, तो आप जैसे देख पा रहे हो मेरा ट्रॉली वन व्हील ट्रॉली है, जिसको मोड़ने में आसानी होती है, इधर उधर करने में आसानी होती है। तो पहला है ये नंगल, देख सकते हो ये नंगल जो है, खास करके आपका मिट्टी को ज़्यादा गहराई से खोद के उसको भुरभुरा बनाने में ये बहुत ही अच्छा काम देती है। तीसरा एक्सेसरीज ये है, छोटा चक्का वाला वन व्हील जो आगे में लगता है। तो तीसरा है ये वाला, देख सकते हो इसमें हमने पांच टीथ लगाए थे, यहाँ भी दो ठो था और पीछे तीन ठो था, मगर इस बार हमने आगे वाला दो ठो निकाल दिए क्योंकि मिट्टी को वो एक्चुअली सही से खोद नहीं रहा था, और खोद रहा था तो मिट्टी को लेके जा रहा था। तो चलिए कैसे अटैच करते हैं आप लोग को भी दिखा देता हूँ। पहली बात तो है कि हम लोग मशीन में थोड़ा सा चेंजेस किए हैं। क्या किए हैं आपको जैसे दिखा दे रहा हूँ। पहले हमारा मशीन में ये डिफरेंशियल गियर नहीं था, इसके वजह से मोड़ने में थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा ताकत लगती थी और मोड़ने में ज़्यादा मेहनत होती थी। अभी डिफरेंशियल गियर में क्या है कि आपका ये सोच लीजिए आपको इधर मुड़ाना है, ठीक है, तो आप जैसे मशीन को उधर करते हो तो ये चक्का आपका स्टॉप हो जाएगा, ये चक्का आपका रोटेशन करना बंद हो जाएगा और वो चक्का सिर्फ चलेगा। डिफरेंशियल गियर का ये फायदा है कि आप जिस तरफ भी मुड़ाना चाहते हो, इस तरफ है या इस तरफ मुड़ाना चाहते हो, तो उस जगह की जैसे उस तरफ मुड़ाएंगे तो वो चक्का स्टॉप हो जाएगा, अपने आप स्टॉप हो जाएगा और ये चक्का चलने लगेगा। दोस्तों, ये कमाल है आपका डिफरेंशियल गियर में। ठीक है दोस्तों, फिर जो था हमारा जो नंगल लगने वाला जगह था वो यहाँ पर था, ठीक है, वो इधर इतना दूर नहीं था, वो यहाँ पर था। अब नंगल दूर होने की वजह से क्या है, टायर में मिट्टी में टायर जो है अच्छे से पकड़ में बैठेगा। यहाँ दो ठो हैंडल दे सकते हैं, ये दो हैंडल एक्चुअली आपका बहुत ही महत्वपूर्ण हैंडल है, इससे आपका एक्सेलरेट होता है, आपका इंजन को स्पीड करने में ये एक्सेलरेट होता है, और ये हैंडल में आप उसको बंद कर सकते हैं, इंजन को बंद कर सकते हैं। तो ये था आज का पावर रीडर के अटैचमेंट्स और पावर रीडर के बेसिक डिटेल्स के बारे में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो यार, ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए लाने वाला हूँ आगे चलकर। तो ऐसे वीडियोस को आपको रोज़ाना मिले ये मैं कोशिश करता हूँ, और इतना आपका भी कोशिश होना चाहिए कि आप वीडियो को देख के चैनल में यदि नहीं है तो सब्सक्राइब कर ले, जिसकी वजह से ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको रोज़ाना मिलती रहें। ठीक है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी वे से आप अटैचमेंट को जॉइंट कर सकते हैं। तो इसको जॉइंट करने के लिए सबसे पहले मैंने ये ब्रैकेट निकाला, और ये बोल्ट को उठाने से ये ब्रैकेट निकल जाएगा। कोई भी नट बोल्ट सिस्टम नहीं है दोस्तों, जैसे कि ये बोल्ट भी आप देख सकते हैं जिसमें हमने इधर नट नहीं लगाया है। ठीक है, बहुत ईजी है, आप चाहे तो इसको नट बोल्ट भी कर सकते हैं, मगर मेरे लिए ईजी रहता है नट बोल्ट नहीं करना, क्योंकि जल्दी से निकाल के दूसरा अटैचमेंट लगाना मेरे को ज़रूरी पड़ता है, तो मैं लगाया नहीं हूँ। तो ये जो बोल्ट है अब निकाल के इस ब्रैकेट को इसमें घुसाना है, ये वाला सॉकेट में इधर से घुसाना है, और जितने लेवल पे आप चाहें उतने लेवल पे आप रख के इस बोल्ट को फिक्स कर देना है। उसके बाद ये वाला इधर अंदर घुसा के ये वाला बोल्ट को नीचे दे देना है। जैसे कि हमने थोड़ा सा फ्री छोड़ा है, जैसे कि आप यदि सोच लीजिए आप इससे मुड़ाते हो तो इस पर ज़्यादा फर्क ना पड़े, इसको ज़्यादा लोड ना पड़े, तो ये इस तरफ होकर
ऐसे करके ये मुड़ जाए आसानी से। आपको दूसरा अटैचमेंट जैसे चक्का है उसको भी लगाना है, तो इसको मैंने थोड़ा सा मिट्टी को हाथ से खोदा, उसके बाद जब जैसे ये सपोर्टिंग लेवल पे आ गई, उसके घाट के लेवल पे आ गया, तो इसको मैंने लगा लिया। अब मशीन जो है पूरा रेडी है चलने के लिए। अब हम मशीन को शुरू करने वाले हैं। पहली बारी में स्टार्ट नहीं होता था, हमने दो पर सेकंड टाइम। ये देख रहे हो मिट्टी को पूरा नरम, फुल नरम। ओके, अब मिट्टी खोद के कैसे गया है देख सकते हो पूरा खेती बाड़ी में। जैसे यहाँ जितना भी आप जितना खरपतवार देख रहे हो वो इसी को ही कल्टीवेटिंग करने से ये खुद से खुद अपने आप निकल जाएंगे। ठीक है, ये था आपका पारुडियर के बारे में एक छोटा सा डिटेल्स है। तो हम लोग ये अपने से खुद से बनाए हैं। और दोस्तों मशीन कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए मैं अपना पसीना पोंछ रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।